कि बुढ़ापे में आपका सहारा बनने के बजाय नशे, जुआरी या फिर बच्ची के चक्कर में ब्लेड बलून मारने लगते हैं, तो आप अपने बुढ़ापे को ना सिर्फ कोसेंगे बल्कि कहेंगे व्हाट द हेल। जरा सोचिए, एक हो नेक हो तो मजे ना आ जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीटीसी न्यूज़ आज खास खबरों के साथ और मैं हूं अपने चैनल की सबसे कोजी बच्ची के साथ। सबसे पहले खास खास खबरें। मुल्क में मचा नया कोहराम, मर्दम शुमारी बन गई मर्दम बेशुमारी, सबके पेट पर पड़ गई बरोड़, मुल्क की आबादी हो गई 25 करोड़। 25 करोड़ सुनकर हुकूमत का निकल गया तराब, एमरजेंसी नाफिस और हंगामी इकदाम उठाते हुए ऑपरेशन हथौला का आगाज। कहीं कम बच्चों पर मिली इंसेंटिव तो कहीं ज्यादा बच्चों पर पड़ी फैंटी। हाय, कहीं अवाम सरापा एहतजाज तो कहीं ख्वाजा सराओं का दीवाना वा रक्स। चलते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये आबादी की बढ़ती हुई तादाद की रोकथाम के लिए ऑपरेशन हथौला का आगाज कर दिया गया है, एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और इसके सिलसिले में जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उनकी तफसीलात कुछ यूं हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला और पाकिस्तान का बेस्ट बड़ी चाइना से मदद लेने का फैसला। पहले बच्चे की एक मिनट। अब सी पैक मनसूबे के बाद सी पपक चाइना पाकिस्तान पॉपुलेशन कंट्रोल का आगाज। पहले बच्चे की पैदाइश पे 15% और दूसरे बच्चे की पैदाइश पे 25% बल्कि तीसरे बच्चे की पैदाइश पे 75% जर्मन टैक्स आयद किया गया है। पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम के तहत शहबाज शरीफ का मुल्क में 25 नए अंडरपास बनाने का फैसला। जी नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे ऑपरेशन हथौला को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत और अपोजिशन इनका अजीबोगरीब किस्म का रद्दअमल सामने आ रहा है और पार्लियामेंट में आज ये मौजू ज़ेरे बहस रहा और इस वक्त आपको बताते चलें कि इमरान खान इस वक्त मीडिया से हथौला पे गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको उनके पास लेके चलते हैं। ये एक पागलपन अजीब बात है। मियां साहब हमें कह रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, खुद इनके तीन है। और कुछ नहीं पता कि इनके साथ और चार इन्होंने पनामा में छुपाए हुए हैं और वो भी अगर चार छुपाए हुए इन्होंने कह देना कतरी शिदा देने तोहफे में दिए। ये बड़ा अननेचुरल है, बड़ा अननेचुरल है, क्योंकि जिस सोसाइटी में मर्द होंगे औरत होंगे उसमें शादियां ज्यादा होंगी और जब शादियां होंगी तो बच्चे होंगे, शादी के बाद बच्चे ही होंगे ना, कोई गन्ने की फसल तो नहीं होगी। अजी बात करते हैं मियां साहब, और मैं यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि मियां साहब पहले तो आप इक्तदार के नशे में टूंग थे और जब से ना अहल हुए ये सुन हो गए हैं, इनके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया। मैं तो बड़ा मुझे दुख होता है जब मैं अपने नौजवानों को देखता हूँ, बेचारे किसी के पास रोजगार नहीं है, जिसके पास रोजगार नहीं है वो बेचारा शादी नहीं कर पाता, निकाह नहीं कर पाता, और जब वो गलती से निकाह कर ले तो हुकूमत कहती है अब निकाह ना करो। ये बड़ी ज्यादती है। तो मैं जो मुझे लगता है कि मियां साहब ने सब कुछ इसलिए किया है कि किसी तरीके से इलेक्शन तक अगले इलेक्शन तक ये टाइम गुजार सके। लेकिन मियां साहब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपके पीछे पड़ा रहूंगा, मैं वो उस तरह हूं जो जब सर पे पड़ता है तो उसका पहला ब्लेड करता है चन, दूसरा चुन और तीसरा चीके निकलवा देता है। के वजीर ख्वाजा आसिफ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा, ये खान साहब कह रहे हैं मियां साहब के तीन बच्चे हैं जो है, मैं खान साहब आपसे पूछता हूँ आपके कितने हैं जो है, यानी मेरा मुंह ना खुलवा देना जो मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत ने जो स्टेप लिया है ये बड़ा जबरदस्त स्टेप लिया है, और मैंने जब ये खबर मियाँ साहब को सुनाई कि आबादी जो है 25 करोड़ हो चुकी है तो मियाँ साहब मायूस हो गए,
बेचारे जो है पहले ही बड़ा मायूस थे ना आईली की वजह से, ये सुनकर और मायूस हो गए। और मुझे जो है उनकी मायूसी का अंदाजा उस वक्त हुआ है जो है जब मैंने उनके सामने अपने हाथों से निहारी बना कर रखी है। तो मियां साहब कहते हैं यार ख्वाजे निहारी में से बोटियां निकाल दे। मैंने कहा यार ये बंदा जो है अंदर से टूट चुका है, यानी के अंदाजा लगाएं कि जो बंदा बकरा ईद पे जिंदा बकरे के पांव पहले कटवा दे के पाए पंजे कुर्बानी बाद में होंगे। जो बंदा कह रहा है वो बंदा जो है कह रहा है कि निहारी में से बोटियां निकाल दो। मैंने कहा मियां साहब नहीं, मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। अगर मैंने बोटियां निकाल दी तो बरोज़े हशर ये बोटियां मुझे गिरेबान से पकड़ेंगी और कहेंगी मुझे क्यों निकाला। साहब बड़े सीरियस है इस मौजू पे और अभी उन्होंने इनिशियल स्टेप के तौर पे हम सब नूनीस का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए थे। और व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है अबाती रोको सालो हेलो और आए चुगल मिला लगा रहता है। और बाकी हमने इसमें चाइनीज गवर्नमेंट से भी जो है वो हेल्प ली है। हमने चाइनीज गवर्नमेंट को बड़ा सीधा सीधा कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि देखें जी हमारे बच्चे आपके बच्चे, आपके बच्चे हमारे नहीं, खुदारा हमारी मदद करें। और इंशाल्लाह मुझे बड़ा यकीन है कि हम लोग सब मिलकर ये आबादी के मसले पे काबू पाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी भी यकदम आ गए हैं, आपको उनकी तरफ लेके चलते हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं जो हूँ हुकूमत के इस ऑपरेशन हथौला पे मैं लानत भेजता हूँ। और उसके बाद मैं इस ऑपरेशन पे हंसना चाहूँगा। ये क्या नॉनसेंस है। We Pakistan People's Party, being a democratic party of this country, we believe that this is a serious violation of human rights. और हम ज़्यादा बच्चों के हक में हैं। हम कहते हैं बच्चे खप्पे, बच्चे असाजुआ, बच्चे हमारे हैं, बच्चे होने चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पापा जरदारी के बाद बेबी बिलावल भी पीछे नहीं रहे, सरे मैदान में आकर हुकूमत को खरा खरा जवाब दे दिया। ओ, कैमरा ऑन है। वाह! अंकल नवाज सुने खुदारा खचे मारना बंद करें। अंकल नवाज हम आपको बताते चले हैं कि अगर आपने ये इत्मीनान वापस ना लिए तो सुन ले खून चाहिए, खून देंगे हम, जान चाहिए जान देंगे हम, तुम कितने बच्चे रोकोगे हम उतने बच्चे जन्म के, कितने बच्चे रोकोगे हम उतने बच्चे जमेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें कि ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को पैदा करने पर एक इंसान को फेंटी मारी जा रही है। और जी आपको बताते चलें कि जी थाना जच्चा बच्चा में इस वक्त हमारे रिपोर्टर जाहिद कंबो मौजूद हैं, आइए उनके पास लेके चलते हैं। जी जाहिद कंबो, क्या सूरत हाल है? जाहिद कंबो आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जाहिद कंबो कंबो शरारा भी है? हाँ ना लिए। मैं जी शरारा, मैं इस थाना जच्चा बच्चा में मौजूद हूँ। जैसा कि आप सुन सकते हैं पीछे उस बंदे को फेंटी चाड़ी जा रही है जिसके 35 बच्चे हैं। और इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही पर्सनैलिटी फुल साथ भी खिलोते हैं, आए इनसे बात करते हैं। जी भाई आपको क्या लगता है कि इस तरह इनकी फेंटी चाड़ने से क्या ये बच्चे जमना रोक देंगे? जी देखे हमारा काम इनको रोकना नहीं है बल्कि छिटक को। पिछली मर्दमशुमारी में इस आदमी के 25 बच्चे थे, इस मर्दमशुमारी में 55 निकल आए हैं।
और अगर हमने इसको ना रोका तो अगली पे मेरे से लिखवा ले 155 हो जाने। लेकिन आपको ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि ज्यादा बच्चों से फायदा भी हो सकता है। जितनी बड़ी बाती होगी उतनी बड़ी फौज होगी, जितनी बड़ी फौज होगी उतना ही दुश्मन मुल्क साथ को डरेगा। जान लो पावे लड़के ना जीती जाए, इतने बच्चों से रोला पवा के तो जीती जा सकते। अगर आप इतने बच्चे करेंगे तो उनकी नशे नुमा कैसे करेंगे? वो नशे नुमा के बजाय उल्टा नशों में लग जाएंगे और नुमा पीछे रह जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप उनको जितने बच्चे हैं उनकी अच्छी तरबियत करें। दुश्मन से जंग जो है वो अच्छी तालीम और अच्छे बच्चों के साथ भी जीती जा सकती। तो जी नाजीन, अब हम आपको थाना जच्चा बच्चा के बाहर का मंजर दिखाते हैं, जहाँ पे एक औरत अपने 55 बच्चों के साथ मौजूद है और उसका कहना है कि इतने ज्यादा बच्चे होने के बावजूद भी उसे सच्चा प्यार नहीं लगा। और उसका मुतालबा है कि उसके हस्बैंड को रिहा किया जाए ताकि उनके घर का खर्चा पानी चल सके। आए उनसे गल करते हैं। जी मेरी बहन, तेरे मस्त मस्त दो नए उबड़ गए। हम बढ़ गए तेरी मुहब्बत में। मैं पूछती हूँ, हुकूमत हमें एक दफा मार क्यों नहीं देती? क्या कसूर था मेरे शौहर का? उसका जहां दाव लगा उसमें लगा लिया। मैं बता रही हूँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मेरे बंदे को रिहा नहीं कर देते। और ये सारे बच्चे मेरे साथ आए हैं। इतने सारे बच्चे? ओ कुसुम, ओ पतले दुकान से जल्दी जल्दी बना लूं। मैं कहीं नहीं जा रही यहाँ से। मेरे साथ तारा लगाए सारे। हमारे अब्बू वापस करो, हमारे अब्बू वापस करो, हमारे अब्बू वापस करो। शरारा ये था यहाँ का आंखों देखा हाल। आप मुझे फ्री होके टैक्स कर देना, फिर कहीं घूमने चलेंगे। कैमरामैन अशरफ लंगी के साथ जाहिद कंबो, थाना बच्चा जच्चा। जी जाहिद कंबो, दिल फटे मुंह आपका। नाज़रीन, आपको बताते चलेंगे इस वक्त हमें वीडियो कॉल पे हमारे मुल्क के सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब ने ज्वाइन किया है, गालिबन वे बैठे होंगे, और आइए उनसे बात करते हैं। जी हसन निसार साहब। नहीं, बात तो ये है, ये जो हुकूमत ने लॉन्च किया है ऑपरेशन हथौला, पहले तो मैं भी सोचता है जो कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे, ये क्या झक मारते हैं। लेकिन फिर मेरा चक्कर अपने दोस्त की तरफ लगा जो मुल्क से बाहर होता है, वैसे ही पाकिस्तान आया हुआ था फैमिली के पास। माशाल्लाह 13 बच्चे हैं उसके, 7 बेटे 6 बेटियां, मुकम्मल एक ऑलराउंडर कमाल किस्म। तो मैं उसके घर जब एंटर हुआ तो एक अजब मंजर देखता हूं। मैं देखता हूं कि घर के एक कोने में 2 बच्चे बरामद होते, एक ने निकल के एक पांचे में टांग डाली हुई है और दूसरा ढारे मार मार के रो रहा है कि दूसरे पांचे में मैं टांग दूंगा। अभी सिर्फ यही खत्म हो रहा था कि मेरी सीट के नीचे से एक बच्चा निकला, मुझे कहता है पी का बू। हर वक्त अभी यही खत्म हुआ था कि उस कोने से 4 बच्चे आ गए जो 24/7 लक हिलना 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 डांस कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या अजब मंजर है, बेचारा बाप मुल्क से बाहर और इधर औलाद उकातों बाप, ये क्या मजाक। मैं पहले भी ये कहता रहा हूं कि इस मुल्क का मसला गुर्बत नहीं है, इस मुल्क का मसला ये इनकी इनकी अफलास नहीं है, भूख नहीं है, इनका मसला है इनका तत्तापन। अगर वो कंट्रोल करें तो फिर बिल्कुल ये आबादी जैसे मसले भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो मैं बिल्कुल इसके साथ हूँ, हुकूमत के साथ हूँ, बल्कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं अपने साथ उनको बिठा के उनकी चुमियां। जी नाज़रीन, आपको इस वक्त हम पाकिस्तान तहरीक कॉमेडी के इजलास में लेके चलते हैं जो कि इस वक्त लाइव आप देख रहे हैं, और वहाँ पर तारिक अजीज साहब आवाम से कोई हल्फी तारीखी हल्फ ले रहे हैं। आइए देखते हैं वो क्या लेने जा रहे हैं। जी ख़वातीनों हज़रात, देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम पहुँचे। अजीज़ाने जाने इंसान पैदाइशी तौर पर अकेला पैदा हुआ है, इंसान के अंदर एक खला है और उस खला को पुर करने के लिए ना जाने वो क्या कुछ कर गुजरता है। अंदाजा लगाइए वो इंसान,
वो शाहीन जिसने पहाड़ों पर बसेरे डालने थे अब्बे के पैसों से डीएसएलआर लेकर, वो शाहीन बच्चियों में जा बड़ा। वो इंसान जिसने सितारों पे कमंद डालने थे बच्चियों के गम में बेचारा शलवार में कमर बंद डालने जोगा ना रहा। वो इंसान जो जिसने आला इखलाक की मियार पे उतरना था वो आज इंसान पूंडी के आला मकाम पे फाइज है और उसका लाशूर चीख चीख कर कह रहा है कि तेरी मेहरबानी शादी कर ले। और जब इंसान शादी करता है तो फिर बच्चे होते हैं और बच्चे होते हैं तो इतने होते हैं कि ये कहना गलत ना होगा कि इस मुल्क में गर्मियों में इतनी पेट नहीं होती जितना बच्चा होता है। इसलिए ख़वातीनो हज़रात मैंने यहाँ पे फैसला किया है कि हम सब मिलकर यहाँ पर एक ओथ लेंगे। मैं आपके साथ कुछ बातें करूँगा, आपने मेरे साथ वो रिपीट करना है दिल से आनी चाहिए ये बात, ठीक है जी? तो शुरू करते हैं हल्फ। मैं मेरे साथ साथ मैं अज़्म करता हूँ कि दो बच्चों के बाद चिल करूंगा। मैं रात को 12 बजे के बाद सोया करूंगा। ज्यादा बच्चों वाला मेरा कोई सीन नहीं। हां जी हां जी। हाय हाय।